कि कैसे आपके साथ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी देखिए सिंपल सी बात है एक मोटिवेशन की बात है कि अपनी लाइफ की आपकी मोटिवेशन होती है कि कैसे हम किसी अचीव करेंगे किसी एम को आप चाहे वो अच्छी लाइफ के बारे में सोच रहे हो या अच्छे इंसान बनने के बारे में सोच रहे हो या किसी एग्जामिनेशन में सफल होने के बारे में सोच रहे हो एक इंस्पिरेशन और एक अपने आपके अंदर मोटिवेशन होना ही चाहिए वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है आपका अपना टारगेट हो सकता है लाइफ का जो भी आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हो तो उसमें आपको देखना होगा कि आपकी फील्ड से जुड़े हुए क्योंकि जब हमने कोई चीज सीखी तो किसी को फॉलो करके सीखा होगा किसी के लेकर जैसे कोई किसी भी आप सुनते होंगे न्यूज में सुनते होंगे कि इस आदमी ने इतनी चीजों की कमी होने के बावजूद ये लक्ष्य अचीव कर लिया तो इसको आपको लगता होगा कि आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो चीजें संसाधन अवेलेबल नहीं है तो इसी का मतलब कि किसी के जुनून को देखकर आपके अंदर भी जुनून आ ही जाता चलिए न्यूज पर चलते हैं पहली न्यूज आपके सामने मैसिव गैदरिंग इन हरियाणा डिमांड्स रिपील ऑफ द फॉर्म लॉ हरियाणा में जो किस आपका दूसरा सेंटर बन चुका क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है वहां पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंजस्ट कर दी गई सरकार ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो अब धीरे धीरे जो ये आपका पद्रह है जो आपका यहाँ पे एगिटेशन है किसानों का जो यहाँ पे जमावड़ा है वो बढ़ रहा है किधर की तरफ वो बढ़ रहा है आपका दूसरे राज्यों की तरफ सेंट्रलाइज हो रहा है नो चेंज पैनल होल्डिंग टॉक्स टिकैत ने कहा है तो आपका कहा गया कि जिसमें बात करने के लिए सरकार ने भी एक बात कही है कि सरकार तब तक किसी भी उससे बात नहीं करेगी ना कितने मजदूर आपके जो भी आप किसान यूनियन के लीडर से जो एक कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करना चाहते हैं रिपील्स पर बात नहीं होगी आपके अमेंडमेंट्स पे बात होगी चेंजेस पे बात होगी और सजेशन पे बात होगी लेकिन सिंपली किसी भी चीज़ को रिपील कर दिया जाए विदाउट एनी लॉजिक इस चीज़ पर सरकार भी बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है सरकार ने डेढ़ महीने का समय मांगा कि डेढ़ महीने तक हम लोग इस पर अभी इसको नहीं रखेंगे लेकिन हाँ आगे बात करनी पड़ेगी सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सेशन में तो ये यह आपके यहाँ पे दोनों की तरफ से चीजें अब ज्यादा हो गई हैं एगिटेट हो गई हैं दोनों तरफ के पक्ष मानने को तैयार नहीं लेकिन हाँ कुछ लोगों का एक मिक्स यहाँ पर रवैया आया है लोकसभा में भी देखा गया कि लोग इससे फॉर्म लॉ पर बात करना चाह रहे हैं और काफी लोगों का सजेशन है कि इसको अपने इज्जत की बात नहीं एक सरकार को अपनी नाक की बात नहीं बनानी चाहिए ज्यादा रिस्पेक्ट प्रेस्टीज नहीं प्रेस्टीज पर नहीं लेना चाहिए और किसानों की बात को मान लेना चाहिए लेकिन सरकार का सिंपल सा कहना कि जो भी चीजें आई हैं उसका ट्रू एंड फॉल्स जब तक नहीं बताया जाएगा किसी चीज को लागू करके उसे हटाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है किसान को ये बताना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए से हटाना चाहते हैं ठीक तो सिंपल सी बात चलता रहेगा जब तक चलेगा तब तक हम आपको अपडेट देते दे रहेंगे नेक्स्ट भी बात करेंगे अमेजन विंस द रिलीफ ऑफ दर्ड एंड स्टे फ्यूचर रिलायंस डील तो यहाँ पे कहा गया है जो डील जीत गई है यहाँ पे बोला गया है कि अमेजन रिलीफ एज अ हाई कोर्ट तो इसमें बात की गई कल मैंने बताया था कि किन किन चीजों पे इस पर डील हुई थी उस पर बात हो गई अब नेक्स्ट बात करते हैं अमेजन श्यो जेफ बेजोस टू स्टेप डाउन अब यहाँ पे एक बड़ी न्यूज सामने आई कि अमेजोन के जो चीफ रहे हैं कल जो डील हुई थी उसके बाद की एक रिपोर्ट आई है उनको स्टेप डाउन मतलब उनको पद से हट दूसरे पद को ज्वाइन करा दिया गया अब इनकी जगह पे कौन आए हैं वो ध्यान देखिएगा अब यहाँ पूछा गया एनडी जेसी टू वी द नेक्स्ट ओवर बेजोस से टर्म टू द एक्टिव चेयरमैन और बेजोस को क्या बना दिया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है जिनको उसके चीफ से हटा दिया गया बेजोस को स्टेप डाउन सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हटा दिया गया चीफ चेयरमैन बना दिया गया जेफ बेजोस हुआ फाउंडर तो अमेज़न कंपनी की है तो कहा गया एन ऑनलाइन बुक सेलर नियरली कहा गया है थ्री डिकेट एल स्टिप डाउन सी ओ ऑ ऑफ ट्रिलियन ग्लोबल रिटेलर दर्ड क्वार्टर ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी नेमिंग द नेक्स्ट सक्सेस तो इनके अगले जो पद पर पे इस पे होंगे जो आपके यहाँ पे सी ओ चीफ होंगे आपके अमेजोन के वो होंगे एनडी जैसी आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये होंगे और इनकी एक डील चल रही है जिसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट बनी हुई है ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो काफी हद तक यहाँ पे देखना जाएगा किसको यहाँ पर रखा गया तो यहाँ पे एक सीधा सा सिंपल सा मतलब है हॉलीडे शॉपिंग की बात कर रहे हैं नेट सेल जो भी बातें हुई इनको देखा गया है सिंपल सा एक आपको यहाँ पे याद रखना अमेजन डॉट कॉम से जो चीफ हटाए गए हैं फाउंडर जो जय बेजोस थे अब उनको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सेल्स यहाँ पे 100 बिलियन फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई तो इसके बारे में 27 एगो ये स्टार्ट की गई बुक बुक कंपनी थी तो अमेजन की जो शुरुआत हुई तो किस रूप में हुई थी एक ऑनलाइन बुक सेलर प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी के रूप में सामने निकल के आया नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम तो कोर्ट रिफ्यूज द कन्वर्जन लॉ सर्वोच्च न्यायालय ने जो धर्म परिवर्तन के कानून में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है कल मैंने आपसे एक यहाँ पे बात कही थी कि जो धर्म परिवर्तन का जो कानून है उसके ऊपर काफी चर्चा यहाँ पे देखने को मिली थी जितने भी की धर्म परिवर्तन जो होना चाहिए केंद्र सरकार ऐसा कोई रूल इसमें लाने की बात नहीं कर रही है तो इसमें जो धर्म परिवर्तन को लेकर जो बात हो रही है उस पर यहाँ पे कोई भाषण नहीं होगा लेकिन हाँ सर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम इस पर कोई भी अभी बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस पर हम अभी कोई दिक्कत नहीं ले सकते इसमें सिंपल सी बात कहें सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनस रिफ्यूज द इंटरवेन इमीडिएटली ऑन एक्जामिन एंड कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तराखंड एंड एम पी जो लगाया गया यहाँ पर क्रिमिनलाइज रिलीजन कन्वर्जन ओवर थ्रू द मैरिज एंड मैंडेट प्रायर ऑफिशियल क्लियरेंस बिफोर मैरिंग इन टू द अनदर फेयर तो ये बात जो की गई सिंपल से मैंने कल समझाया भी था आपको इसमें कहा क्या गया कि अगर आप किसी भी धर्म जो कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आदेश आया था कि अगर आप किसी भी धर्म को परिवर्तन शादी के लिए कराते हैं तो ये गैर कानूनी होगा और इस पर कोई भी चीज की सुनवाई नहीं की जाएगी और ये पूरी तरीके से और इसमें कानून जब बनाया गया उत्तर प्रदेश में तो उसमें कहा गया है पहले डीएम की परमिशन लेनी होगी और डीएम को पहले पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या अलग किसी आपके धर्म में शादी कर रहे हैं किसी धर्म के विशेष के लिए बोला गया था तो इस पर काफी सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली दायर की गई याचिका जिसमें कहा गया कि ये गैर संविधान के सहकारि संविधान के अनुरूप कानून नहीं है सुप्रीम तो कोर्ट है कि इस परीज भी भी इस पर मध्यस्था करने को तैयार नहीं तो वी हैबाद एंड उत्तराखंडी सीज द मैटर इट वु एडवांटेजेट देव टू सेव ऑलरेडी इन अनदर केस डिक्लाइन द ट्रांसफर ऑफ द केस टू अस फ्रॉम अलाहाबाद हाई कोर्ट द टॉप कोर्ट रिसेंटली डिनाइड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर अपीली चैलेंजिंग द रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेस फ्रॉम द स्टेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ सिंपल सी बात हुई उसमें जो बोला गया किस लिए किया गया तो यहाँ पे विशाल ठाकरे अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ अनलाफुल कन्वर्जन एंड रिलीजियस ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट रिलीजन एक्ट टू थाउजेंड एटीन के ऊपर की थी जिसके ऊपर इसने फैसला लिया है तो फैसला देखिए सिंपल सी ये फैसला जब आया था तो आपको एक बता दू मैं ये फैसला जब आया था तो लोगों ने राइट टू फ्रीडम की बात की थी कि हमारा जो पर्सनल लिबर्टी वो बाधित की जा रही है कोई भी एक इंसान अपने किसी भी इच्छा से किसी भी धर्म को शामिल कर सकता है कई लोगों ने अपने तर्क दिए थे यहाँ पर कि किसी भी इंसान को कोई धर्म अंगीकृत करने का हक हाँ है कोर्ट का निर्णय था कि अगर अंगीकृत करने का निर्णय है आप अंगीकृत कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को लेकिन वो रिलीजियस जो आपका रिलीजन कन्वर्जन का जो बेसिक है जो आपका वहां पर जो मेन मोटिव है वो मैरिज नहीं होना चाहिए आप किसी भी धर्म से प्रभावित होकर आप वहां पर अपना रहे धर्म तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं ये आपका Constitutional Fundamental right है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कि आप किसी धर्म को धारण कर सकते हैं उसका पूजा पाठ कर सकते हैं उसके लिए चंदा दे सकते हैं उसके संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं कर्मकांड में उपस्थित हो सकते हैं उसके सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी धर्म में किसी चीज़ शादी करने के लिए आप किसी धर्म को शामिल हो सकते हैं ये गलत बात है हाँ आप शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों शादी के जरिए हो रहा हो शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा ये हो ये अनलाफुल होगा ये कोर्ट का निर्णय रहा है और ये बिल्कुल गलत तरीका है किसी चीज धर्म बिना धर्म परिवर्तन किए भी शादी की जा सकती है शादी करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और ये धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया जा रहा है इस पर कोर्ट की ऑब्जेक्शन थी और इसीलिए कानून बनाए गए हैं ऐसा गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का भी अपना क्लेरिफिकेशन आया कि हमारा कोई मकसद नहीं किसी को धर्म परिवर्तन से रोकना पसरते वो धर्म परिवर्तन किसी विशेष या विशेष योग्यताओं के लिए किया जाए ना कि शादी के लिए किया जाए किसी भी धर्म की आस्था अगर आपको अच्छी लगती है तो आप धर्म परिवर्तन करिए इस इसपे हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं है ठीक है तो ये चीजें आपके यहाँ पर कही गुड मॉर्निंग सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं पुरानी आत्मा रविंदर यादव गुड मॉर्निंग फुरकान मलिक गुड मॉर्निंग गौरव सिंह गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड रश्मा मार्कंडे गुड मॉर्निंग रोली द्विवेदी गुड मॉर्निंग आराधना विश्वा गुड मॉर्निंग सभी को वेरी गुड मॉर्निंग चलते हैं आगे देखते हैं क्या न्यूज है

में खर्चा होगा पर बेंगलुरु हिंदुस्तान मैनुफेक्चरिंग एट्टी थ्री एल सी ए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की बात हो रही है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को फोर्टी एट थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे दिया गया है टारगेट बिल्कुल सही सभी लोग जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाएंगे बाकी दोस्तों को भी जोड़ लेंगे अपने लाइक शेयर जरूर कर देंगे सेशन को और हम लोग काफी हद तक अलग अलग चीजें भी देखेंगे सुखोई था यहाँ पे जो एयर इंडिया शो हुआ है 130 करोड़ 130 अरब डॉलर की बात की गई है जिसमें 48,000 करोड़ रुपए तो आपको केवल दिए जाएंगे 83 थ्री एल सी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि इंडिजनली बनाया गया है पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर निर्भर किया गया है इसमें खरीद के लिए सरकार ने एच से करार कर लिया है जो की कहा गया आठ सालों में सबसे बड़ा अब तक का ये अब तक का एच का सबसे बड़ा सौदा है जो की किया गया और अच्छा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत यह इतना बड़ा पहली बार किया गया एक अपना समझौता के बारे में बात की जा रही है इससे बड़ा समझौता अभी तक नहीं किया गया है और रक्षा मंत्री सीमाओं की रक्षा करने में भारत सक्षम है दूसरा यह भी कहा गया कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं साथ ही इन्होंने बात और भी बोली कि सात से आठ सालों में पिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए 130 अरब डॉलर रुपए खर्चा किए जाएंगे जो कि आप यहां देख सकते हैं जो सिंपल से बोला गया है ग्लोबल डिफेंस के लिए इंडिया बिल्कुल तैयार है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जो एट्टी तेजस विमान होंगे जिसमें कहा गया सेवेंटी थ्री तेजस एम तो के वन आपको अगर इसका पूरा डिटेल बना रखा तेजस के लेकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे इसका लिंक पड़ा हुआ है तेजस का जिसमें 73 तेजस एम के वन ए हमने आपको वहां पे डिस्कस किया था जो 73 थ्री एम के वन है और सब आपके एम के वन ए है जो तो यहाँ पे देखें सिंपल सी बात समझ लीजिएगा दो तो तरह के तेजस यहाँ पे डिमांड किए गए 83 तेजस में दो तरीके के हैं एक आपका है जो वो मॉडर्नाइज है तो कहा गया एम के वन ए और दूसरा जो लिया गया है एयरक्राफ्ट जो 10 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे वो एम के वन है एम के वन और एम के वन ए में क्या डिफरेंस है मैंने बता रखा कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा उसमें ऐड की गई हैं जो कि एम के वन से डिफरेंट है और वो एम के वन ए को हाइडली मॉडर्नाइज बनाता कहते हैं जे एफ सेवेंटीन जो चाइना द्वारा दिया गया पाकिस्तान को जे सेवेंटीन है उससे तेजस को बेहतर बनाया गया क्योंकि जे सेवेंटीन पाकिस्तान को मिला है पाकिस्तान को मिला किधर से चाइना की तरफ से चाइना का बनाया हुआ तो उससे काफी बेहतर इसमें सुविधाएं अरेंज की गई हैं जिसपे आप बात की गई उससे ज्यादा हल्का और अच्छा विमान माना जाता है इसको एट ईयर्स फ्रॉम नाउ आज से आठ साल बाद ही आठ साल तो बाद हमको मिलना शुरू हो जाएगा एच एल ने भी कहा कि हम और एक तेजस का नया वर्जन लेकर आ आ रहे हैं। तेजस MK2 आ रहे हैं, हैं, तेज़स लेकर लेकिन वो भी दो तक उसका उत्पादन शुरू होगा और करने वाला विमान क्योंकि तो इंडिया का पहला इंडिजिनियस विमान है 16 एयरक्राफ्ट पर एयर के हिसाब से आपकी एच बनाने वाली है यहां पर Air Chief, में? Chief of the Air Starbola, RK ने कहा ग्लोबली एंड इंटरकनेक्टेड रिगार्ड ही ग्रेटर रीजन कोऑर्डिनेशन की बात की गई है और एच एल डिस्प्लेट द आत्म निर्भर फॉर दमेशन एंड कंसिस्टिंग इट्स प्लेटफॉर्म एल सी ए ट्रेनर एल टी टी फोर्टी ट्रेनर इंटरमीडिएट जेड ट्रेनर

कि आप क्या कर, कर सकते हैं इसको आप उनकी बातों को मान सकते हैं कांग्रेस लीडर जो है गुलाम नबी आजाद अपील टू द गवर्नमेंट नॉट टू मेक अ कॉन्फ्रंटेशन विद द फार्मर्स इज अ इशू इट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ टू मेक एन अनाउंसमेंट रिपीलिंग द डिस्प्यूट फ्रॉम लॉ एंड ही कंडेम्ड द वायलेंस एट द रेड फोर्ट ऑन द ट्वेंटी जनवरी ड्यूरिंग द फार्मर्स ट्रैक्टर रैली और इस पे उनको निंदा करनी चाहिए और कहा गया सिंपल सी बात है

इस समय विपक्ष में राज्यसभा का जो विपक्ष के नेता कौन है गुलाम नबी आजाद जी हैं यहाँ पे दो चीजें आप समझ लीजिए क्वेश्चन आवर के बारे में आप यहाँ पे आ रहा है सर और जीरो आवर आ रहा है जल्दी से आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जीरो आवर और क्वेश्चन आवर के बारे में बताएंगे क्वेश्चन आवर कब होता है जीरो आवर कब होता है और क्वेश्चन आवर का टाइमिंग क्या है जीरो आवर की टाइमिंग क्या है जल्दी से आप कमेंट करिए फिर मुझे पता चल जाएगा आपको ये कितना आपका यहाँ पे आइडिया क्लियर है अगर आप यहां पर नहीं क्लियर तो मैं आपको बता भी दूंगा लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि जीरो आवर आवर कब 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 से से होता होता है कब कब होता है क्वेश्चन हिंदी में अगर बात तो प्रश्न काल कब कब से कब तक होता है और शून्य काल कब कब से कब तक होता है जल्दी से बताएं जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार कमेंट जरूर कर दें कि शून्य काल कब होता है और जीरो आवर कब होता है इस बारे में जरूर बताएंगे ठीक है अब यहां बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हैो टू गो टू द फार्मर्स मूवमेंट और कहा गया कि सर ब्रिटिश सरकार ने भी किसानों के आंदोलन के सामने अपने घुटने टेक दिए थे लेकिन ये सबसे बड़ा दुखद है देश की अपनी ही सरकार को किसी भी किसी कैद के समय किसी उपनिवेशिक सरकार को अपने यहाँ की सरकार से कंपेयर करना ये एक हद तक उतना सही नहीं है किसी भी सरकार की जो एक बात है उसको एक तरह समझने के बजाय आप किसी सरकार को अपने देश पर किए गए अत्याचार वाली सरकार से कंपेयर करना इसका मतलब अपने जिस शासन में हम लोग रह रहे हैं उसको दूसरे देश की सरकार मानना है ये एक तरीके से गलत बात है ठीक है तो यहाँ पे जो बात किया गया है कि कोर्ट द रूल टू फिफ्टी फाइव टू विद्रॉ ऑफ द मेंबर्स द ग्रॉस डिसऑर्डरली कंडक्ट और यहाँ पे जो रूल की बात की गई है कि रूल टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी फाइव लगाया गया जिसमें कहा जाता है राज्यसभा के कि कोई गलत व्यवहार करता है इससे उसको क्या कहते हैं रिमूव कर दिया जाएगा जिसमें आपके संजय सिंह सुशील कुमार गुप्ता नारायण दास गुप्ता व मार्शल डाउट मार्शल ने उन्हें बाहर कर दिया सिंपल से कहने की बात है राज्यसभा हंगामा कर रहे सदस्यों को मार्शल ने बाहर किया ये कौन से ऑर्डर में आता है टू में आता है और कहा गया राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी की जो पार्टी के तीन सदस्य थे संजय सिंह सुशील गुप्ता और एन डी गुप्ता को सदस्य को कार्रवाई बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया बाद में उन्हें मार्शल की मदद से सदन से बाहर किया गया राज्यसभा में सुबह शून्यकाल समाप्त होने पर संजय सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया सभापति का जो कहना था कि आपको भी मौका दिया जाएगा जब आपकी टर्न आएगी तो आप भी पूछ लीजिए लेकिन इसके बाद भी आपके सदस्यों ने नए कृषि कानून का विरोध जारी रखा नारेबाजी शुरू की थी नायडू ने उन्होंने चेतावनी दी और सदन के सुचारू रूप से चलने देने को कहा लेकिन कुछ देर बाद सदस्य हंगामा कर रहे थे तो इसमें दो सौ के तहत दिन भर के लिए क्या कर दिया गया निलंबित किया गया तो ये रूल आप याद करेंगे जानते रहेंगे कि जो कोटिंग रूल होता है राज्यसभा का टू जिसमें दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया और निर्देश का कहा गया सदस्यों का आसन के निर्देश स्वीकार नहीं किया तो सदन में ही बने रहे इस पर सभापति ने करीब नौ बज के पैंतीस बजे तक पांच मिनट के लिए स्थगित कर दिया था ठीक है तो सिंपल सी बात यहाँ पे थी जल्दी जीरो आवर कहा गया है जितने लोग बता रहे हैं देखो क्वेश्चन आवर जो होता है आपका ग्यारह से बारह होता जो है uh, well लो तो जो लोग जानते हैं वेल ट्राई किया आप लोगों ने तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आवर जो होता है सुबह ग्यारह से बारह पहला घंटा जो होता है सदस्य का दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा में फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदनों की सुनवाई का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होगा जो सेकंड आवर होगा जिसे बारह से एक का समय कहा जाता है वो जीरो आवर होता है इसमें आपके मोशन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आपको बता दो काल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आवर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं देखो काल में तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखो जीरो आवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या किसी देश से हमने नहीं लिया वो हमारे अपनी खुद की जात है हमारा खुद का ओरिजिनेशन है लेकिन जो आपका क्वेश्चन आवर है प्रश्न काल जो है वो आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वेश्चन में कितने तरह के होते हैं तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। होता जिसे है जिसे तारांकित प्रश्न कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है जिसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जो लघु सूचन, मतलब सूचना मतलब अल्प सूचना प्रश्न होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन उसकी बात किया गया तो यहाँ तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टार्ड अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं कब ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आवर में तीन प्रकार के प्रश्न है उन तीनों प्रश्नों को क्वेश्चन आवर के दौरान ग्यारह से बारह मतलब सुनवाई के दोनों सदनों में पहला घंटा जब होता सदन का उसे क्वेश्चन आवर कहा गया दूसरा घंटा जो होता है जीरो आवर कहा गया ठीक है इतना आई होप समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नो एक्यूरेट डेटा ऑन रोहिंग्यास सरकार ने कहा है कि कोई एक्यूरेट डेटा हमारे पास रोहिंग्या से संबंधित नहीं है अब देखिए रोहिंग्या मुसलमानों की बात जो आ गई यहां पर रोहिंग्या जो मुसलमान है जिनपे अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली कि आपके म्यांमार में एक आग वहां पर सख्ता पलट हो गया है और तख्ता पलट होने का मकसद क्या था वहीं से रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध है अब पूछा गया है तो क्या होते हैं रोहिंग्या उनसे क्या संबंध है यहाँ क्वेश्चन पूछाता है कि रोहिंग्या कौन है रोहंग्या मुसाइल जो म्यांमार के हैं जिन्हें वहां पर सरकार ने निष्कासित कर दिया और अपने देश का नागरिक नहीं माना है

रिटर्न रिप्लाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होम नित्यानंद राय इीगल रोहंग्यालंगाना पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दहली राजस्थान तमिलनाडु वेस्ट बेंगाल असम कर्नाटका एंड केरला इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है भारत में और ये कौन होते हैं रोहंग्या मुसलमान तो हैं जनगणना में शामिल नहीं की गई है आबादी को रोहंग्या मुसलमान माना जाता है जनगणना में शामिल नहीं है और इनके बारे में कहा जाता है ये प्रमुख रूप मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं जो सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है हालांकि पीढ़ियों से कहाँ रह रहे हैं म्यांमार में रहने वाले हैं इसलिए ये मुद्दा कुछ ज्यादा घावक भारत में कितने रोहंग्या मुसलमान हैं कि रोहंग्या मुसलमानों का मुद्दा बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है अब ये भी बता दें कि म्यांमार की जो बहुसंख्यक आबादी जो बौद्ध है लेकिन म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक दस लाख से ज्यादा मोहरंग्या मुसलमान है और इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और नागरिकता सरकार ने दी नहीं है तो कहते हैं इनको म्यांमार को पीढ़ियों से रहते हैं म्यांमार में और रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी रही है इस हिंसा में बड़ी संख्या में इनकी संख्या मारी भी गई है और एक एक लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित भी हुए हैं और बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर जर कैंपों में रह रहे हैं इनको एक आईलैंड पर भी अभी सरकार जो उनकी आर्मी की सहायता से म्यांमार की इनको एक दूर आइलैंड पर भेज दिया गया जहां पर जाने के बाद ह्यूमन राइट्स ने काफी अप्रोच का भी किया था कि इन मोहंग्या मुसलमानों को आप ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं जहां पर आप पानी वानी की व्यवस्था नहीं होती है और लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं और इनको दस को पहले म्यांमार छोड़ दिया था इन्होंने अच्छा कहते हैं इनको रखाइन राज्य में क्यों रखा गया म्यांमार का रखाइन राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इनको रखा गया तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ रोहंग्यास का क्योंकि म्यांमार के मुद्दे की वजह से ये काफी लाइट में आ चुके हैं इस समय क्योंकि हमेशा रहता है लेकिन हाँ कभी बीच बीच में रखाइन राज्य एक है आपका म्यांमार में वहां पर क्यों रखा गया इनको तो कहते हैं म्यांमार में मोन्डोव की सीमा पर मोनडोव के मॉन्गोव की जो सीमा पर नौ पुलिस अधिकारियों के मारे जाने के बाद पिछले महीने रखाइन स्टेट में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया सरकार के कुछ अधिकारियों का दावा कि ये हमला रोहंग्या समुदाय के लोगों ने किया था इसके बाद सुरक्षा बलों ने तो जिले की सीमा को बंद कर दिया और एक व्यापक ऑपरेशन शुरू किया उसमें हुआ क्या रोहिंग्या कार्यकर्ता कहना सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके सैकड़ों गिरफ्तार किया गया तो म्यांमार के सैनिकों पर मानवाधिकार के उल्लंघन के संगीन आरोप भी लगे लेकिन कहा गया सैनिक मुसलमानों को हमले में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको उन्होंने मारने के लिए किया अब सरकार इसमें कितना दोषी है उसके लिए कितना नहीं दोषी है वो भी है और आंग साउन सूची के बारे में कहा गया क्या कर रहे हैं उन्होंने इस पर कोई भी कंसर्न नहीं जाहिर किया इसलिए आंग साउन सूची का जो लास्ट टाइम रहा है कुछ सालों में उनको ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर काफी नकारात्मक छवि विश्व में बनी क्योंकि इससे पहले उनकी छवि एक बहुत बड़े लीडर के रूप में थी जिसे उन्होंने पीस प्राइज भी नोबेल पीस प्राइज भी मिला था उनके कैद के दौरान लेकिन बाद में ये दिक्कतें आई अच्छा पूछा गया बांग्लादेश की आपत्ति क्या है रोहंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि म्यांमार के राजदूत ने इस मामले में गहरी चिंता से बांग्लादेश ने कहा इस सीमा पर पार का सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यहां आ रहे हैं और इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने देश के नागरिकों को अपने पास रोकें रोहंग्या इंडिया में कैसे आए क्योंकि रिफ्यूजी जो एक्ट होता है उसके तहत तो इंडिया में आ चुके हैं क्योंकि बांग्लादेश भी आया सत्तर के दौरान जब रोहंग्या मुसलमानों को शरणार्थी सर्था, स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मामले में कहा गया कि बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है कि उन्हें शरणार्थी की तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश आ रहा है तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा सेटेलाइट तस्वीर भी, भी जारी की कितने जो वहाँ पे रोहिंगिया हैं कितने पर अत्याचार किया जा रहा है तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये अपने देश में ही अपनी पहचान खो चुके वो नागरिक हैं जिनको दूसरे देशों में शरण लेने के लिए भटकना पड़ रहा है और दूसरे देशों के साथ साथ आस के देशों में इन्हें अत्याचार का सामना और हीन भावना का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सरकार के साथ साथ इन देशों की भी काफी यहाँ पर चर्चा सुनने को मिलती तो रहोहंग्या मुसलमान एक तरीके से पीड़ित हैं अपने सरकार में जैसा मैंने बोला कि अपने ही देश में अपनी पहचान खो चुके मुसलमान अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है म्यांमार में प्रमुख धर्म कौन सा है तो म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध है और वहाँ पे मुसलमानों को अल्पसंख्यक या उसको रखा गया है अब कहते हैं कौन मुस्लिमों की बात यहाँ पे की गई थी अब बता दिया मैंने आगे नेक्स्ट चलते हैं बैंड जमाते इस्लामी चीफ रिमेन इन जेल ठीक है ध्यान रखें जमाते इस्लामी जो बैंड किए गए उनके चीफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर तो बैंड जमाते इस्लामी चीफ अब्दुल हफीज फायज हमीद फायज हु डिटेंशन एज कॉज अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट पी एस ए अब देखिए लगाया गया जिसके ऊपर इनको बंद किया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको जेल कर दिया गया जमाते इस्लामी जो आपका है यहाँ पे जेईएल बोलते हैं चीफ आपका हमीद फायज हु डिटेन श्रीनगर की बात है ये और कहा कि अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात की ऑन ट्यूज इन जेल सेपरेट सेपरेट केस केस अ होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन केस टू कौन सा चार्ज चलाया गया अभी रिसेंटली उनको अभी आपने कुछ दिन पहले सुना की आपके म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है जिसमें वहां की सबसे फेवरेट लीडर थी आन सांग सु उनको सबसे अधिक वोट मिले थे नवंबर में उनकी एक तरफा जीत हुई थी और उस एक तरफा जीत को सैनिक शासन ने वहां स्वीकार नहीं कर लिया था आपको पता होगा कि म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पे मोस्टली टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम तक सेना का शासन रहा है आन सान सुकी की पिता खुद ही एक जनरल थे फौज के और उन्होंने वहां पर शासन किया था लेकिन अब बात की जाए चार्ज सुमांडेड फॉर टू वीक्स और कहा कि कुछ लीडर्स को तो छोड़ दिया गया है लेकिन आन शाह सुकी को भी छोड़ा नहीं गया है तो इसी पर यहाँ बात की है कि उनको जो चार्ज दिया गया वहां पर जो चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके ऊपर लोगों का जो डिमांड है कि जल्द से जल्द वहां पर छोड़ दिया जाए और उनको यहाँ पर फ्री करके लोगों के बीच में आने दिया जाए लेकिन जो यहाँ पर अभी मिलिट्री का कहना बिल्कुल गलत है अभी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा उनको दूसरा है क्या किस लीडर की बात है इनका कद इतना बड़ा क्योंकि आपका म्यांमार्स आउटसेट जो लीडर है आन सान सु

द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत के बाद उन्हें पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है लास्ट नवंबर बट द द द मिलिट्री फेवर्ड पार्टीज रिसीव ड्रबिंग पोल्स फ्रॉडलैंड तो इन्होंने कहा कि आर्मी ने वहां पर कहा था कि इतनी तरीके इतनी बड़ी जीत नहीं हो सकती है जीत में फ्रॉड हुआ है इसलिए उसको देखते हुए उन्होंने इस नतीजे को जो नवंबर में आया था उसको सेना ने मानना बिल्कुल मना कर दिया था और कहा था कि ये हमारी एक तरीके से हार होगी और ये भी कहा गया कि वहां की सेना ने बोला है कि कुछ महीनों तक अगले आने वाले पांच से छह महीनों तक वहां पर किसी भी एयरप्रेस को ओपन नहीं किया जाए किसी देश के लिए पूरे देश के लिए पूरा क्या कर दिया जाएगा बंद कर दिया गया है तो इस पर यह भी बात की गई है तो संसद फिर से शुरू होने से पहले सोमवार को जो यहाँ पे आनसून सुखी को गिरफ्तार किया गया था उनको बंद कर दिया गया था और कह सकते हैं कि इनके साथ करीब दस साल के लोकतांत्रिक प्रयोग के बाद फिर से सैन्य शासन की वापसी आ गई है तो आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट टेन ईयर्स तक तो वहां पे सैन्य शासन था उसके सैनिक के बाद डेमोक्रेसी आई थी लेकिन फिर से वहां पे सैनिक शासन वापस आ चुका है ईयर की जो सौकी हैं उन्होंने चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ उफ अंडर म्यांमार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लॉ विध द कोर्ट साइनिंग ऑफ द रिमांड ऑफ टू वीक्स की भी दे दिया गया है दूसरा द ग्रुप ऑफ सेवन लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इकोनॉमी द कोप ऑफे एंड सेट दैट इलेक्शन रिजल्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड और कहा गया ग्रुप सेवन के जो दोस्तों ने कहा कि ये गलत है और अंतरराष्ट्रीय निंदा किस प्रकार से हो रही है ये भी बताया गया है कहा गया है कि एक्शन हैज बिन मेड टू द इंटरनेशनल कंडमिनेशन होगा और आर्मी आस्ट टू पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रोटेस्ट और कहा गया आउटसाइड लीडर चार्ज विद वायलेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लॉ के वायलेशन के तहत उनको चार्ज किया गया नेक्स्ट बात करेंगे ईरान राहूनी रूल्स आउट द चार्जेस ऑफ न्यूक्लियर डील अब नो क्लॉज ऑफ द जेसीपीओ ए विल चेंज अब यहाँ पे सिंपल पूछा गया जेसीपीओ के बारे में मैंने बताया था कि जो कंट्रीज के ग्रुप के साथ हुआ था लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा किया था जेसीपीओ के बारे में आपको बताया था जेसीपीओ क्या है तो जल्दी से आप लोग बताएं कि जो लास्ट टू डेज पहले जो मैंने जेसीपीओ के ऊपर कंप्लीट वीडियो निकाला था उस वीडियो को आपने देखा था कि नहीं देखा था जल्दी बताएं जेसीपीओ क्या है आप जल्दी से बताएं जेसीपीओ क्या है जो आपको रिसेंटली यहाँ बताया था मैंने तो आपको बता दें पी फाइव प्लस वन आपको बता दें 2015 हजार में एक आपका संगठन हो तो आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा ये है क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपको एक एक करके बताता हूँ ए सी पी ओ क्या है ए सी पी ओ ए क्या तो कहते पी फाइव प्लस वन ठीक तो इसमें कौन कौन से देश हैं अमेरिका है रसिया है चाइना है है फ्रांस है और जर्मनी है ये आपके इतने देश है पी फाइव प्लस वन की बात हुई छह देश है कि मध्य एक परमाणु समझौता हुआ था जिसको कहा गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या कहा गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला गया था जेसीपीओ का फुलफॉर्म है और इस समझौते में संबंधित यूरेनियम की सीमा तीन दशमलव छह सात परसेंट तय की गई थी कहा गया आप यूरेनियम इन्विचमेंट कितना कर सकते तीन दशमलव छह सात परसेंट कर सकते हैं क्योंकि आपके फ्यू एक एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है लेकिन हाँ आपके यहाँ पर उसके चेंज के लिए जरूरी नहीं मतलब आप यहाँ पर परमाणु बम नहीं हथियार बनाने के लिए सही नहीं होगा तो इसमें कहा गया ज्वाइंट कॉम्प्रोहेसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि हुआ था 2015 में उसी को कहा गया जेसीपीओ तो इसमें छह देश शामिल हैं अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी जर्मनी एक्स्ट्रा वन वाला है पांच देश तो ये हो गए पी अलग हो गए एक ये जो एक्स्ट्रा देश है इसका नाम है जर्मनी जिसको जर्मनी कहा गया है और इससे पहले ईरान इसमें क्या किया गया था ईरान को इसमें शामिल किया गया था ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है जेसीपीओ के बारे में पूछा गया है जेसीपीओ यही था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जेसीओपीओ क्या है ये तो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये इसके बारे में मैंने चर्चा की यहाँ पे और कहा गया इसमें जो तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में भी आपको बता दिया गया क्या क्या होता है तो पांच देशों के साथ एक प्लान समझौता किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने थी इसकी पुष्टि और इसमें कहा गया था कि इस समझौते से पहले ईरान जेसीपीओ समझौते में निर्धारित तीन ग्राम यूरेनियम भंडार की सीमा हनन कर चुका मतलब ज्यादा भंडार वहां नहीं कर सकता है तो ये बातें यहां पर हुई थी तो जेसीपीओ ईरान का हो गया तनाव कारण भी पता चल गया निष्कर्ष आगे चलते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान बिगिन द कोविड 19 वैक्सीनेशन अपने पड़ोस में कोविड 19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है जिसके बारे में यहां पर चर्चा की गई थी यहाँ पर जो चर्चा की गई उसके बारे में जान सकते हैं आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं इन सभी वीडियोज को देखिए करंट अफेयर क्या होता है एक समय तक आपको नया लगेगा देखिए एक समय तक नया लगता है मतलब कह सकते हैं जैसे घर की बात कर ले आपको अब आप, आपको समझा देता हूँ थो थोड़ा सा अगर आप लोग जुड़े यहाँ पर समझिए आप अगर फैमिली में हैं तो कुछ दिन अगर किसी फैमिली में जाते हैं तो आप नया नया से रहते हैं आपको सब चीजें नहीं पता होती हैं आपको कुछ दिन लगता है समझने में एक से दो महीने जब आप उस फैमिली में रह जाते हैं तो आपको हर एक चीज का आइडिया हो जाता है और हर एक आप चीजों से जुड़ जाते हैं मतलब हर एक इंसान की लाइफ की एक्टिविटी से आप जान जाते हैं कि किस लाइन लाइफ की एक्टिविटी कहां जब आप दो महीने तक क्या करते हैं इसकी इसका बैकग्राउंड पता करने में लगता है इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है बी का बैकग्राउंड क्या है ए का बैकग्राउंड क्या सी का, का क्या है उस दिन बाद आप सभी का बैकग्राउंड जान जाते हैं फिर आप उसके आगे जहां से सिचुएशन डेवलप होती है वहां से शुरू हो जाते हैं मतलब ऐसा ही है एक से दो महीने तक आपको करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी दुनिया की न्यूज आने में लग जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हर देश में होता रहता है और कम से कम दो महीने में ऐसी हर घटना आ जाती है जो हर देश की कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिल जाती है फिर उसी के आगे सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो जाती है तो जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे आज आपने ईरान के बारे में पढ़ा ईरान के बारे में जब ये जे के बारे में आया था तो मैंने बता दिया था ठीक तो इसमें हुआ था तो मैंने बताया अब आज उसमें एक नई चीज जुड़ी है नया सिचुएशन ऐड हुआ है बैकग्राउंड तो यही होगा बस आप जानेंगे अच्छा एक चीज और हो गया जैसे किसी इंसान ने हाई स्कूल पास किया था तो वहां तक की जानकारी आपको पता है

मंडे को न्यूज आई थी उसके आगे सिचुएशन डेवलप हुई कि आदम शुरू कर दिया गया तो यह शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान वैक्सीनेशन की और पाकिस्तान में वैक्सीन किसने डेवलप की है सिनोफार्म वैक्सीन आपकी गई है चाइना से ने भेजी वहां पर और यहाँ पर यह शुरुआत कर दिया गया तो ये क्या होगा यहाँ इज ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एडवाइज द हेल्थ फैसल सुल्तान चाइना सिनोफार्म वैक्सीन सीनोफार्मेक्टिव सिंपल सी बात है स्टार्टिंग हो चुकी तो है नेक्स्ट बात करते हैं अफगान जस्ट शॉर्ट डेड देखिए अफगान में लगातार टेररिस्ट एक्ट एक्टिविटीज चली है कुछ दिन पहले महिला जजेस को मारा गया था पर फिर से यहां पे जजेस और जर्नलिस्ट को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है तो जब जब से ही जब से ही पाकिस्तान अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाने और तालिबान को यहाँ पे चार्ज देने की बात की है तब से ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं खासतौर से जर्नलिस्ट और एडवोकेट्स और जजेस के लिए शॉर्ट डेड इन द एम्बुस इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ जलाबाद ऑन द वेडे थर्ड कोर्ट ऑफिसियल देखा मारा गया थर्ड of ना दो, दो और मारे गए थे देखो तीसरा है ये तो आप अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको प्रीवियस उसमें कनेक्ट होती रहती है अभी कुछ दिन पहले तो दो मारे गए थे तो जजेस हफिस अटैक्ड ही नाम हफिजुल्ला था वर्क एज अ मोटर रिस्सा एंड द फरीदान पुलिस इन दरार हर प्रोविंस बोला गया गुलाजान बोला गया है डॉक्टर ऑफ जलाबाद द मिस हफीजुल्ला मल्टीपल बुलेट्स वाउंड पाए गए हैं द मर्डर ऑफ हफीजुल्ला कम्स आफ्टर द मिलीटेंट शॉट डेड टू वुमेन जजेस मैंने अभी रिसेंटली बताया था कि दो महिला जजेस को अभी कुछ दिन पहले मारा गया था बिल्कुल वही न्यूज आ रही है आपके पास आपके अंदर ये भी काबिलियत डेवलप हो जाएगी कि आप उस न्यूज को तुरंत जोड़ लेंगे की अभी कुछ दिन पहले तो कुछ लोग मरे थे वहां पर तो वही उसी के सीक्वेंस में एक जज की और डेथ हो गई है कुछ दिन पहले फॉरेन जर्नलिस्ट को भी वहां पे मारा गया था अभी दो महिलाओं जज को मारने के बाद कोर्ट के बाहर ही तुरंत एक पुरुष जज को भी मार दिया गया ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन पे आ गए हैं क्वेश्चन जल्दी बताए आप सभी लोग इंडिया की वैक्सीन कोवाक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन है इंडिया में कोवाक्सीन है और कोविशील्ड है और अभी दो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आने वाली है तो जल्दी से सभी लोग जवाब देना शुरू करिए आपका आंसर आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो ये क्वेश्चन आपके सामने है तो बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्टेड द वाटर बर्ड सेंसस इन फर्स्ट टाइम इन जनवरी फरवरी 2021 जल्दी से बताएं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आई होप आप सभी लोग बता ले जाएंगे और सेशन को लाइक like शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए लाइक like जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको पहले बता दीजिए कि पूछा गया है जल्दी बताएं सेंसस के बारे में बताइए कौन से सेंसस कौन से बर्ड सेंचुरी में सेंसस होने वाली है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है बर्ड सेंचुरी में सेंसस होने वाली क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ने सेंसस कराने की बात की बर्ड सेंसस अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वाटर बर्ड सेंसस आंध्र प्रदेश में हुई थी लेकिन यहाँ पे बर्ड सेंसस की बात बर्ड की, सेंसस किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करने वाले ये बात होनी चाहिए वाटर बर्ड सेंसस जो हर साल होती है वो तो बताया गया था आपको तो यहां पे बताया गया फर्स्ट टाइम कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर सेंसस करा रहा तो वो होगा वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने फर्स्ट वाटर बर्ड सेंसस की बात की है और स्टडी वॉज कंडक्टेड कब होगा जनवरी दो जनवरी बारह से लेकर ये स्टार्ट कब होगी जनवरी ट्वेल्व से लेकर होगी फरवरी दो के बीच में फेवररी दो तारीख के बीच में हुई है ये सेंसस जो आपको पूछा गया है बारह जनवरी से दो फरवरी के बीच में कंडक्ट कराई गई है इसमें चौवन डिफरेंट फिफ्टी फोर डिफरेंट स्पेसिज के बारे में पता चला है यहाँ पर लोकेशन होंगी स्टेट में लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पता चली है जहां पे पक्षी रहते हैं और सिक्सटी फाइव स्पेसीज पैंसठ अलग अलग स्पीसीज के बारे में पता चला मतलब चौवन लोकेशन के बारे में फिफ्टी सिक्सटी फाइव स्पेसीज के बारे में यहाँ पर पता चला है 2021 में यह हुई संपन्न अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वेस्ट बंगाल यहाँ आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया उसके बारे में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट दिनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट जल्दी बताएं। कब प्रधानमंत्री इनोग्रेट करेंगे सेलिब्रेशन चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में जो 100 साल पूरे हो रहे हैं तो कब करने वाले शताब्दी पूरा होने पे प्रधानमंत्री किस तारीख को करने वाले हैं इनोग्रेट चलिए बताएं कब होगा इनोग्रेट ये इसे कवर करेंगे बताएंगे कब होगा ये किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इनग्रेट करेंगे चौराचो सेलिब्रेशन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा ये और ये चार फरवरी माने आज किया जाना है ये आज होगा चार फरवरी के दिन चौरा चौराचो इंसिडेंट जिससे जानते गोरखपुर में हुआ था जिसमें आपके लोग जिंदा जला दिए गए थे पुलिस थाने में पूरे लोगों को जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था तो ये कहते चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में पूछा गया कब शुरू होगा तो आपको सिंपल दिया गया कब शुरू होने वाला है चार फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रधानमंत्री इनगरेट करने वाले हैं ये क्वेश्चन आपसे

के बाद कौन सी घटना हुई तो इसमें पूछा गया कौन सी घटना के बाद किया गया मूवमेंट बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं जो लोग जुड़े हैं यहाँ पर और बाकी अपने दोस्तों भी जोड़ लेंगे क्योंकि ये आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग लोग बाकी लोग भी जल्दी बताएं क्वेश्चन का आंसर आप देते रहेंगे और लाइक भी करते रहेंगे देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बता रहे हैं लोग सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की बात हो रही है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने सहयोग आंदोलन उन्नीस सौ बाईस चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था चार फरवरी को हुआ था बाइस को हुआ था ये इंसिडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रो 4 फरवरी 2021 के बारे में इसको क्या किया गया इसमें इनोग्रेट किया जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं द डिफेंस मिनिस्टर हैज अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 83 लाइट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर्स टू अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपनी किस कंपनी को दिया है उन्होंने ठेका जल्दी बताया बिल्कुल मूवमेंट होगा अभी बताएं किस कंपनी को ठेका दिया उसके बारे में आपको बताना है डिफेंस मिनिस्टर हैजार्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू मैन्युफैक्चर एट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर्स टू एवंग द फॉलोइंग कंपनीज आपको सिंपली बताया गया तेजस को दिया गया आपका हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया है एच एल को हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को ये चीजें दी गई है बिल्कुल यहाँ पर इसको ध्यान सुनी हिंदुस्तान एयरनॉटिकल लिमिटेड ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है विच कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द फोर्थ मिलियन कोविडीन वैक्सीनेशन मार्क इन एटीन डेज कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया जिसमें 40 लाख वैक्सीनेशन मार्क अट्ठारह कर लिया है कौन सा देश है ये तो क्वेश्चन कोविड 19 वैक्सीनेशन मार्क इन 18 डेज तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा देश होगा यहाँ पर जल्दी बताए कौन सा देश होगा फर्स्ट आपका ऑप्शन यूएस है दूसरा यूके है तीसरा

आपको तो बता दो थर्टींथ नंबर का एडिशन थर्टींथ एडिशन हो रहा है का और ये कहां पे हो रहा है ये हो रहा है बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हो रहा है ये यहां पर हो रहा है एयरफोर्स स्टेशन और कहां पे हो रहा है ये एयरफोर्स स्टेशन यहांका में हो रहा है क्योंकि वहां पर एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर तो आप जानते रहिएगा इसको एयरो इंडिया एयर शो का जो शो हो रहा है कहाँ पर यह में हो रहा है ठीक है तो ये आप जानते रहेंगे

किस राज्य ने ग्यारह हजार रुपए देने की बात की गई है किस राज्य ने ईच ऑफ द एप्रिसिएशन अमाउंट डॉक्टर्स को देने की बात की जो कोविड नाइनटीन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं ऑल कोरोना वायरस रिलेटेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट किस राज्य ने किया है ऐसा तो आपका तेलंगाना है यहाँ पे ऑप्शन में उत्तराखंड है मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र तो किस राज्य ने यह घटना की तो आपको बता दें कि आपका जो किस सरकार ने कहा उत्तराखंड की सरकार ने और वहां के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अनाउंस किया है

Amazon Web Services के जो सीईओ थे जिनका नाम था एनडी जैसी कि अब सीईओ होंगे कहाँ के तो अमेजन के अब होंगे। ठीक तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था जुड़े तो रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे हमें आप पूरा न्यूज कैसी रही आज के दिन की पूरी जो न्यूज़ आपने सुनी एनालिसिस जो हम लोग करते हैं किसी भी न्यूज़ का एक आर्टिकल के तौर पर वो दिन के दो सेशन और होते हैं आपके जो दोपहर साढ़े ग्यारह बजे होंगे और फिर आपका एक सेशन होने वाला है जो आपका दोपहर ढाई बजे होने वाला है ये करंट अफेयर के दो सेशन और होते हैं इनको आप जरूर देखा करिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को हम काफ़ी हद तक एनालाइज करते हैं इन दो सेशन में भी जुड़े और बाकी के सेशन जो जोग्रफी के होते हैं उनमें भी जुड़े का सेशन जो दस बजे होता है आपका डेढ़ बजे होता है और शाम को चार बजे होता है जिसमें हम लोग एनसीआर कर रहे हैं और जोग्राफी से जुड़े हुए करंट अफेयर कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो जुड़े रहिए यहाँ पर यूपीएस अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ जिससे कि काफी लोग यहाँ पे जुड़ सकें और अपनी न्यूज को हमेशा आठ बजे हमारे साथ जुड़ पाए थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद